हम तो इंसान हैं, हमारे राम जी छोटे छोटे पशु पक्षियों तक की सेवा लिखते हैं। इस भजन के माध्यम से सबसे बड़ा उदाहरण समर्पित कर रहा हूं कि लंका पर चढ़ाई के लिए सागर पर सेतु की रचना हो रही है, बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर लाकर के समुद्र में डाल रहे हैं, राम नाम लिखे वो पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। वानरों ने हनुमान जी को शिकायत की कि हनुमान जी सारा काम तो ठीक ठाक हो रहा है मगर एक छोटी सी गिलहरी जो सागर के तट पर कभी इधर आ रही है कभी उधर जा रही है न जाने क्या कर रही है, अरे किसी के पांव के नीचे आएगी तो मर जाएगी। हनुमान जी ने बड़े गौर से उस गिलहरी को देखा और हनुमान जी के मन में न जाने क्या बात आई। हनुमान जी ने गिलहरी की पूंछ को अपने पांव के अंगूठे से दबाया और जब गिलहरी की पूंछ दबी तो गिलहरी दर्द से कराही। गिलहरी की करुण पुकार सुनकर के मेरे राम जी आ गए। राम जी ने हनुमान जी को पीछे किया, गिलहरी को अपने हाथों पे उठाया, सहला करके एक प्रश्न किया, अरे गिलहरी इस बड़े कार्य में इन बड़े बड़े वानरों के बीच में तू क्या कर रही है। तो गिलहरी ने राम जी के प्रश्नों का क्या जवाब दिया आइए, बड़ी सुंदर रचना है, आनंद आएगा, एक एक शब्द बड़े गौर से सुने। एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगावे, पूंछ भिगावे रेत लपेटे, पुल पे जाए गिरावे। एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगावे, पूंछ भिगावे रेत लपेटे, पुल पे जाए गिरावे। राम जी ने कहा तू क्या करती है, तो गिलहरी बोली कि बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पांव में ना चुभ जावे। वनवासी वेश में हो नंगे पांव हो इन्हीं नुकीले पत्थरों पे चढ़ के तो लंका पर चढ़ाई कर रही है। बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पांव में ना चुभ जावे, बालू आपके राह को प्रभु जी कितना सरल बनावे, बालू आपके राह को प्रभु जी कितना सुगम बनावे। गिलहरी बोली देख वानरों की सेवा महान प्रभु, देख वानरों की सेवा महान मेरे दिल में जगे ये अरमान, और मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, प्रभु जी पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आए। देख वानरों की सेवा महान, देख वानरों की सेवा महान मेरे दिल में जगे ये अरमान, पत्थर प्रभु जी पत्थर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं
से गए गुजरे नहीं, ये तालियां बजा करके एक दो तीन चार। गिलहरी बोली, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है, छोटी सी की लहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, छोटी सी की लहरी हूँ मेरी क्या भी साथ है, हो तेरी सेवा करूँ मैं मेरे राम, तेरी सेवा करूँ मैं मेरे राम, मेरे दिल में जगे ये अरमान, पत्थर प्रभु जी पत्थर, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। एक बात दोनों हाथ ऊपर करना और ये तालियां मेरे राम जी के लिए बजनी चाहिए भाई, एक दो तीन चार। छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, 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 सबको है तारा हमें तारो प्रभु जी, सबको है तारा हमें तारो प्रभु जी, हो ले लो अपनी शरण में मेरे राम, शरण में मेरे राम, ले लो अपनी शरण में मेरे राम, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मेरे दिल में जगे ये अरमान, मैं तो पत्थर हो। देखिए एक बात मैं कह दूं, बुरा मत मानना, हिंदुस्तान के हम 100 करोड़ हिंदू, अगर थोड़ी भी गिलहरी जैसी भावना आ जाए ना या आ गई होती तो हमारे राम का मंदिर कब का बन चुका होता। यह हमारे देश की विडंबना है कि हमने राम सौंप दिए नेताओं को राजनीति करने के लिए। राम राजनीति का विषय नहीं भाई, राम तो जन जन के हृदय की चेतना है। दो अक्षर का ये नाम जिसके सुमरण मात्र से प्राणी तर जाता हो, जिसके सुमरण मात्र से वाल्मीकि जैसा डाकू संत बन जाता हो, उस नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो राजनीति का विषय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जब राम की बात आए तो ठंडे होकर के मत बैठा करो, हाथ नीचे करके उठा करके दोनों हाथ कह दिया करो, हमें तो पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। कहारी की लहरी एक बात बता,
हनुमान ने तेरी पूंछ को अपने पांव के अंगूठे से दबाया, हनुमान ने तुझे चोट पहुंचाई, इस बात के लिए मैं हनुमान को कौन सी सजा दूं? राम जी के लिए चाहे गिलहरी का दर्द हो या हमारा एक बराबर है। राम जी ने कहा, अरे गिलहरी, हनुमान ने तुझे चोट पहुंचाई है, इस बात के लिए मैं हनुमान को कौन सी सजा दूं? तो गिलहरी बोली, प्रभु क्या सचमुच हनुमान जी को सजा देना चाहते हो? क्या आप सचमुच हनुमान जी को सजा देना चाहते हो? तो सुनो, ये तो हनुमान जी के चरणों की कृपा थी जो उनके चरण मेरे ऊपर पड़े और मैं आपके हाथों में आ गई। ना हनुमान जी के चरणों की कृपा होती ना मुझे आपकी कृपा मिलती। जिस पर हनुमान जी के चरणों की कृपा हो जाए वो राम की कृपा का पात्र होता है। ये बात सुनकर के राम जी ने कहा, अरे गिलहरी, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, युगों युगों कथा रोमी जाएगी सुनाई, युगों युगों कथा रोमी जाएगी सुनाई। हो तेरा रघुकुल पे है ये एहसान, पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई, तो पत्थर उठाए नहीं पाई पर बालू ले आई, तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। प्रेमियों, पत्थरों को समुद्र में तैरता हुआ देख करके मेरे राम जी को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि पत्थरों की प्रकृति डूब जाना है। और वैसे भी इस दुनिया में जो पत्थर दिल होते हैं वो सदैव डूबे ही रहते हैं, कभी पार नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रंथ ये बात कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम करना नहीं सीखा वो मेरे ठाकुर से कोसों दूर है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। पत्थर दिल तो वैसे भी डूब जाते हैं, पत्थर दिल का कहीं ठिकाना नहीं है। राम जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था पत्थरों को तैरता हुआ देख, और राम जी ने धीरे से एक पत्थर उठाया और सबकी निगाहों से बचते हुए समुद्र में डाल दिया। जो राम जी ने पत्थर डाला वो डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। हनुमान जी दूर खड़े सिर हिला रहे थे। राम जी समझ गए चोरी पकड़ी गई। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, कहने लगे, हनुमान एक बात समझ में नहीं आई, ये वानर पत्थर डालते हैं तैरते हैं और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। हनुमान जी बोले, प्रभु आप भी गजब करते हो, आप भी गजब करते हो। पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, 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 जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे वो जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे वो पल में डूब जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे वो पल में डूब जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे वो पल में डूब जाएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर कर लेना जो राम जी की बाह पकड़ना चाहते हैं, कोई भगत बाकी ना रहे। हो पार होंगे वही जिन्हें पकड़ोगे राम, 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 जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे, जिन्हें छोड़ोगे वो पल में डूब जाएंगे, जिन्हें छोड़ोगे वो पल में डूब जाएंगे। और ये हाथ ऊपर करके राम जी की बाह पकड़नी है, ये तालियां 2, 3, 4।
इतना क्या जाने ये पत्थर बेचारे, इतना क्या जाने ये पत्थर बेचारे। राम जी को हनुमान जी ने कहा, प्रभु तिरना क्या जाने ये पत्थर बेचारे, तिरना क्या जाने ये पत्थर बेचारे। ये तो तेरे हैं तेरे नाम के सहारे, ये तो तेरे हैं तेरे नाम के सहारे। ये तो तेरे हैं राम नाम के सहारे, ये तो तेरे हैं राम नाम के सहारे। पार होंगे वही जो लेंगे तेरा नाम, पार होंगे वही होंगे वही जो लेंगे राम नाम, मार होंगे वही जो लेंगे राम नाम। जो भी भूलेंगे, जो भी भूलेंगे वो पल में जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हनुमान जी कह रहे हैं। और हनुमान जी कोई बात गलत नहीं कहते कि पार होंगे वही जो लेंगे राम नाम, और जो भी भूलेंगे वो पल में। अभी भी आप लोग जोर से नहीं बोल रहे। हनुमान जी कोई बात गलत नहीं कहते, साबित कर दूं। पिछले दिनों हमारे केंद्रीय सत्ता में एक पार्टी राम के नाम पर सत्ता में आई और सत्ता में आते ही राम को भूल गई। आज देखिए राम ने उसे भी भुला दिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाथ ऊपर कर लो और राम के नाम पर और मिल के कहना, पार होंगे वही जो लेंगे राम नाम, पार होंगे वही जो लेंगे राम नाम। जो भी भूलेंगे, जो भी भूलेंगे, जो भी भूलेंगे वो पल में डूब जाएंगे, जो भी भूलेंगे वो पल में डूब जाएंगे, जो भी भूलेंगे वो पल में डूब जाएंगे, जो भी भूलेंगे पल में डूब जाएंगे, जो भी भूलेंगे पल में डूब जाएंगे, जो भी भूलेंगे पल में डूब जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोला पवन दुष्ट हनुमान की जय। इसी